हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम कंटीजेंसी लीडरशिप थ्योरीज की ही सीरीज़ में एक और कंटीजेंसी थ्योरी की बात करेंगे रेडिन की थ्री डी थ्योरी ऑफ लीडरशिप ये भी कंटीजेंसी थ्योरी है आ, ये जो थ्योरी है रेडिन की थ्री डी थ्री डायमेंशनल थ्योरी बेसिकली पूरा जो नाम है इसका थ्री डायमेंशनल लीडरशिप थ्योरी है ये जो पहले जो इस अर्लियर हमने जो बात की थी टू डायमेंशनल थियोरीज की उसी की एक्सटेंशन है जिसमें जिसमें हमने इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल के लिए दो डायमेंशनस की बात की थी टास्क ओरिएंटेड डायमेंशन और दूसरा था रिलेशनशिप ओरिएंटेड डायमेंशन जो पहले की जो जो पहले जो हमने बिहेवियल थ्योरीज की बात करी है टू डायमेंशनल बिहेवियरल थ्योरीज की उसके टू दो डायमेंशन थे टास्क ओरिएंटेशन ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड अब रेडिन ने इन्हीं में uh, इनी जो दो डायमेंशन है इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल के जो बताए गए थे पहले दो पहले टू डायमेंशनल थ्योरीज के अंदर रेडिन ने उसी में एक डायमेंशन और ऐड कर दिया और उन थ्योरीज को थ्री डायमेंशनल थ्योरी बना दिया uh, अब वो एक और डायमेंशन क्या था इफेक्टिवनेस uh, तो तीनों जो डायमेंशन है अब इफेक्टिव लीडरशिप रेडिन के अकॉर्डिंग इफेक्टिव लीडरशिप के लिए इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल के लिए ये तीन डायमेंशन होने चाहिए फर्स्ट जो था टास्क ओरिएंटेड टास्क ओरिएंटेड क्या है कि द एक्सटेंट टू तो विच द लीडर डायरेक्ट हिज बिहेवियर एंड हिज जो मेंबर्स हैं उसके टीम मेंबर्स उनके बिहेवियर को जित ज्यादा से ज्यादा टास्क को अचीव करने के तरफ उनके बिहेवियर को डायरेक्ट करता है अपने बिहेवियर को भी और जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस उस तरफ डायरेक्ट करता है ताकि जो टास्क है जिसके ऊपर टीम काम कर रही है उसको अचीव किया जा सके दूसरा जो डायमेंशन था रिलेशनशिप डायमेंशन उसमें वो एक्सटेंट जिस तक जो लीडर है अपना जो अपने टीम मेंबर्स हैं उनके साथ रिलेशन बना के रखता है अपने सबोर्डिनेट्स के साथ उस रिलेशन में क्या क्या चीजें आती हैं म्यूचुअल ट्रस्ट अपने ग्रुप मेंबर्स के ऊपर ट्रस्ट कितना है उसको ए, और उनकी रिस्पेक्ट कितनी करता है और उनके जो आइडियाज़ हैं उन और सजेशंस हैं उनको किस एक्सटेंट तक एक्सेप्ट करता है वो रिले रिलेशनशिप ओरिएंटेशन था तीसरा जो डायमेंशन जो रेडिन ने इसमें एक और डायमेंशन ऐड किया था इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल के लिए इफेक्टिवनेस की बात की थी उन्होंने इफेक्टिवनेस क्या है कि उस मैक्सिमम एक्सटेंट तक जिसके लिए उसकी पोजिशन जिसके लिए उसको लीडर बनाया गया है इस गोल को अचीव करने के लिए उसको कितना अपनी पोजिशन को इफेक्टिवली यूज कर उस गोल को अचीव करता है ये इफेक्टिवनेस था इसके बाद आ, इसको सिचुएशन कंटिजेंसी थ्योरी इसलिए बोला जाता है बिहेवियर की बात तो की ही है ठीक है टास्क ओरिएंटेशन रिलेशनशिप ओरिएंटेशन और तीसरा जो ऐड किया है इफेक्टिवनेस पर साथ साथ इसको सिचुएशन कॉन्टीजेंसी थ्योरी भी माना गया है आ, वो कहते हैं कि इन ऑर्डर टू डायग्नोज द सिचुएशन रेडिन है सजेस्टेड फाइव फैक्टर क्राइटेरिया यह कि रेडिन ने ये सिर्फ ये नहीं बोला कि बिहेवियर के ऊपर ही फोकस करना है कि ये एक बिहेवियर है जिसके बेस पे जो लीडर है अपने स्टाइल को इफेक्टिव बना सकता है उसने ये भी बोला कि पहले सिचुएशन को भी डायग्नोज करना है कि सिचुएशन किस तरह की है जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपने ये लीडरशिप जो स्टाइल जो उन्होंने तीन बात की उनको अपनाना है तो उस उन्होंने फाइव फैक्टर सिचुएशन को डायग्नोस करने के लिए उन्होंने फाइव फैक्टर के ऊपर एम्फिसाइज़ किया फर्स्ट जो फैक्टर था साइकोलॉजिकल क्लाइमेट कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट किस तरह का है क्या आप किसी डर में तो नहीं काम कर रहे हैं या आपको अपनी जॉब छोड़ने का डर तो नहीं है मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर किस तरह के हैं कोई नर्वसनेस तो नहीं है या बड़ी कूलली cool काम कर करनी इस तरह के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स साइकोलॉजिकल क्लाइमेट किस तरह का है वहां का दूसरा जो है द टेक्नोलॉजी यूज्ड कि किस तरह की टेक्नोलॉजी वहाँ यूज की जा रही है क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है पुरानी ही टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है इस तरह से तीसरा जो है रिलेशनशिप विद सुपीरियर सुपीरियर्स के साथ किस तरह की रिलेशनशिप है रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स रिलेशनशिप विद सबोर्डिनेट्स तो ये जो पांच फैक्टर्स बताए हैं जिनके बेस पे सिचुएशन uh, को डायग्नोज कर सकता है लीडर और उसी के बेस पे सिचुएशन को डायग्नोज करके इन फैक्टर्स को डायग्नोज करके वो एक इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल जो है इफेक्टिव लीडरशिप बिहेवियर को uh, अपना सकता है uh, अब कुछ लीडरशिप स्टाइल उन्होंने बताए हैं वो तो, तो बिहेवियरल डायमेंशन थे जिनकी हमने बात की टास्क ओरिएंटेड रिलेशनशिप ओरिएंटेड और इफेक्टिवनेस वो कुछ डायमेंशन थे थ्री डायमेंशन थे थियोरी के अब इनके बेस पे सिचुएशन के बेस पे और उन डायमेंशन के बेस पे लीडरशिप स्टाइल की बात की है चार तरह के लीडरशिप स्टाइल बताए हैं रेडिन रेडिन ने फर्स्ट जो है ए ए, ए के अंदर क्या है लो टास्क लो, लो रिलेशनशिप स्टाइल कि ज्यादा टास्क बिल्कुल टास्क ओरिएंटेड भी नहीं है लीडर और जो है रिलेशनशिप भी लो लो रिलेशनशिप है और सब ऑर्डिनेट्स के साथ बी जो है दूसरा जो स्टाइल बताया है लो टास्क हाई रिलेशनशिप स्टाइल सी जो है हाई टास्क लो रिलेशनशिप स्टाइल एंड डी जो है हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप स्टाइल रेडिन ने बोला है कि लीडरशिप स्टाइल जो है ये जो चार स्टाइल बताए हैं वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में जो है या लीडर जो है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट टाइप का लीडरशिप स्टाइल अपना सकता है और अपनी लीडरशिप को इफेक्टिव बना सकता है तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां का वर्क एनवायरनमेंट किस तरह का है वहां की सिचुएशन किस तरह की है उसके बेस पे ही लीडरशिप की इफ़ेक्टिवनेस या इनफेक्टिवनेस की बात की जा सकती है नेक्स्ट जो है इसके अलावा भी ये चार स्टाइल तो इन्होंने बताए ही हैं रेडिन ने इसके अलावा भी उन्होंने कुछ इफेक्टिव और इन इफेक्टिव स्टाइल बताए हैं अपनी थियरी के अंदर चार इन चार इफेक्टिव स्टाइल बताए हैं और चार इन इफेक्टिव स्टाइल बताए हैं लीडरशिप के अब सबसे पहले हम जो चार उन्होंने इफेक्टिव स्टाइल्स बताए हैं उनकी बात करेंगे फर्स्ट जो इफेक्टिव स्टाइल की सीरीज में उन्होंने फर्स्ट जो स्टाइल बताया है एग्जेक्टिव स्टाइल है अब इस एग्जैक्टिव स्टाइल में जो लीडर है वो दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है टास्क के ऊपर भी और रिलेशनशिप के ऊपर भी अपने जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उसके उनको मोटिवेट करता है वो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखता है कि कौन किस काम में ज़्यादा इफेक्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो जिस चीज़ को लेके चले हैं काम को या प्रॉब्लम को लेके चले हैं फिर आगे उसके अकॉर्डिंग ही वो काम डिस्ट्रीब्यूट करता है टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव किए जा सक तो इस तरह का जो स्टाइल है वो एग्जेक्टिव स्टाइल है जिसमें दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है टास्क के ऊपर भी और रिलेशनशिप के ऊपर भी तो दूसरा जो इफेक्टिव स्टाइल उन्होंने बात की है पर यहाँ पे जो लीडर हैं वो उसका जो मैक्सिमम कंसर्न रहता है वो पीपल रहते हैं मैक्सिमम कंसर्न फॉर पीपल वो उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता है काम के लिए जो भी जिस प्रॉब्लम को या जिसको लेकर टीम काम कर रही है तो अपने जो मेंबर हैं ग्रुप मेंबर हैं उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता है कि वो काम को अच्छी तरह से ही करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे और मिनिमम कंसर्न फॉर द टास्क जो इस तरह का जो मैनेजर है जो इस तरह की स्टाइल को यूज करता है उसका जो ट्रस्ट होता है अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं या जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उसके अंदर ज्यादा होता है और वो जो इस जो उसके ग्रुप मेंबर हैं उनकी डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देता है एज एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम सोल्व करने की बजाय टास्क की बजाय वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें उनकी ग्रोथ कितनी हो रही है मेंबर्स की ग्रोथ कितनी हो रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है तीसरा जो है इफेक्टिव स्टाइल बेनवलेंट ऑटोक्रैट सेल की बात की है इस स्टाइल में जो लीडर है उसका जो मैक्सिमम कंसर्न रहता है वो टास्क के ऊपर रहता है और जो मिनिमम कंसर्न है वो पीपल people, पीपल्स के साथ रहता है रिलेशनशिप मेंटेन करने के साथ रहता है अपने सब के साथ एक जो मैनेजर इस तरह का स्टाइल को यूज करता है वो अब जानता है खुद ही जानता है कि उसने किस तरह से काम लेना है अपने सब uh, से अपने टीम मेम्बर से uh, कैसे काम लेना है और टास्क की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान रहता है काम पूरा कराने पर और किस तरह से वो काम लेगा ताकि जो है ग्रुप मेंबर्स के अंदर भी ना हो बिटरनेस भी ना आए इस तरह का वो बिहेवियर यूज करेगा फोर्थ जो है इफेक्टिव स्टाइल बताया है जो रेडिन ने वो है ब्यूरोक्रेट टाइप ब्यूरोक्रेट मीन्स उस ब्यूरोक्रेट टाइप में जो लीडर का जो है मिनिमम कंसर्न जो है वो टास्क पे भी मिनिमम कंसर्न है और रिलेशनशिप पे भी कंसर्न है वो ज्यादा रूल्स की ज्यादा बात करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है और ये देख के चलता है कि जो टीम जो उसके अंडर जो काम कर रहे हैं जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उन रू, रूल्स को फॉलो करें ज्यादा से ज्यादा रूल्स को फॉलो करें और अपनी पावर को वो ज़्यादा यूज करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको प्रोवाइड की है तो ये चार इफेक्टिव स्टाइल बताए हैं रेडी ने कुछ इन इफेक्टिव स्टाइल भी उन्होंने डिस्कस किए हैं फर्स्ट जो है कंप्रोमाइज़र कंप्रोमाइजर जो लीडर होता है वो क्या करता है टास्क को भी उस पर रखता है हाई पोजीशन पे रखता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, पे और रिलेशनशिप को भी एक्सट्रीम पोजीशन पे रखता है पर वो सिचुएशन को डायग्नोज नहीं करता है कि क्या कौन सा स्टाइल यूज करना चाहिए आ, कि मतलब वो अपनी तरफ से ही दोनों चीजों को टास्क टास्क को भी और आ, जो रिलेशनशिप है उनको दो, दोनों को उस पर रखता है मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे रखता है जबकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी एक के ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है या नहीं दोनों के ऊपर ही नहीं ध्यान देने की जरूरत होती है तो वो सिचुएशन को डायग्नोज नहीं करता है तो जब बैलेंस नहीं बन पाता है चीज़ों का तो वो कंप्रोमाइज कर लेता है तो इस तरह का जो लीडर है वो कंप्रोमाइजर टाइप होता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो एक डिसीजन मेकर नहीं होता है इफेक्टिव डिसीजन मेकर नहीं होता है तो सिचुएशन को जब दोनों ही काम दोनों ही डायमेंशन पूरे नहीं हो पाते हैं तो वो एक कंप्रोमाइजर की तरह काम करते हैं कंप्रोमाइज कर लेते हैं सिचुएशन के साथ दूसरा जो है मिशनरी टाइप का जो इन इफेक्टिव स्टाइल बताया है मिशनरी टाइप के जो लीडर होते हैं उनका जो मैक्सिमम कंसर्न होता है वो रिलेशनशिप के ऊपर होता है पीपल के ऊपर होता है और मिनिमम जो है टास्क के ऊपर यानी कि वो ट्रस्ट काम के लिए जो है ज़्यादा ट्रस्ट जो है मेंबर्स के ऊपर ही करता है चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हैं या इनएक्सपीरियंस्ड हैं काम को करने में पर उसका ट्रस्ट जो है ग्रुप मेंबर के ऊपर ही होता है ए, तो वो टास्क जो है इस तरह की कंडीशन में जबकि सिचुएशन दूसरी तरह की है कि जो मेम्बर्स हैं वो इतने एक्सपीरियंसड नहीं हैं कि वो टास्क को अकेले कर पाएँ पर आ, क्योंकि जो लीडर है वो उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है तो इस केस में ना तो काम ही पूरा हो पाता है और ना ही रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं तो इस केस में भी वो सिचुएशन को संभालने के लिए कंप्रोमाइजर बन जाता है आ, और कंप्रोमाइज़ कर लेता है तो ये इस तरह का जो स्टाइल है उसको इनफेक्टिव माना गया है तीसरा जो है ऑटोक्रेट स्टाइल अब यहाँ ऑटोक्रेट स्टाइल में जो लीडर है उसका जो मैक्सिमम कंसर्न होता है वो टास्क के ऊपर होता है और मिनिमम जो है वो पीपल के ऊपर होता है इस तरह का जो लीडर है उसका अपने ग्रुप मेंबर के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो सिर्फ इस काम इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है कि जो काम है वो जब बस जल्दी से कंप्लीट हो जाए जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान नहीं देता है और ना ही लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने के जो उसके ओ, सब ऑर्डिनेट्स हैं टीम मेंबर हैं उनके साथ रिलेशनशिप बनाने पर भी कोई ध्यान नहीं देता है तो ये ऑटोक्रेट स्टाइल है ये भी इनफेक्टिव माना गया है नेक्स्ट जो है लास्ट जो इनफेक्टिव स्टाइल की बात की है रेडिन ने डेजर्टर डेजर्टर होता है रन अवे कि इस तरह का जो उसका इस तरह के लीडर का जो मिनिमम कंसर्न टास्क के ऊपर भी नहीं होता और जो लोग हैं पीपल हैं जो उसके मैम उनके साथ भी उसका कोई कंसर्न नहीं होता है तो सिचुएशन को वो संभाल ही नहीं पाता है तो उसको उस उस जगह से निकाल के या तो उसको हटाई दिया जाता है उस जॉब से उस लीडर वाली जॉब से या तो उसको हटाई दिया जाता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है तो इस तरह से यानी कि वो भाग जाता है उस सिचुएशन से तो इस तरह का जो स्टाइल है उसको भी इनफेक्टिव माना गया है रेडिन के अकॉर्डिंग तो इस तरह रेडिन ने कुछ एक डायमेंशनस की बात की है डायमेंशनल बिहेवियर की बात की है लीडरशिप के लिए तीन डायमेंशनल बिहेवियर की बात की है उसके बाद उन्होंने सिचुएशन को डायग्नोस करने के लिए भी फाइव फैक्टर्स बताए हैं उसके बाद उस सिचुएशन के बेस पे और उन बिहेवियर के बेस पे उन्होंने चार इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल भी बताए हैं उसके अलावा भी उन्होंने कुछ एक इफ़ेक्टिव गोरिनी इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल को डिस्कस किया है नेक्स्ट uh, जो हम थ्योरी की बात करेंगे सिचुएशनल थ्योरीज की ही सीरीज सिचुएशनल थ्योरी की ही सीरीज के अंदर एक और हम थ्योरी की बात करेंगे uh, इसको uh, जिसके जो ऑथर हैं इस थ्योरी के जो ऑथर हैं हरसे हारसे एंड ब्लैंकर्ड है सिचुएशनल इस थ्योरी इसको इस थ्योरी को हारसे एंड ब्लैंकर्ड सिचुएशनल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है सिचुएशन अब यहाँ पे सिचुएशन वर्ड का यूज़ किया गया है और आप बोलेंगे कि अभी तो हम कॉन्टिजेंसी थ्योरी की बात कर कर रहे थे तो कॉन्टिजेंसी और सिचुएशन नल का एक ही एक ही मीनिंग होता है दोनों का सिचुएशनल एंड कॉन्टीजेंसी थ्योरी दोनों का एक ही मतलब है और ये भी जो ये थ्योरी है जो आ, जो रेड हर और ब्लेंकड ब्लेंकड की जो सिचुएशनल थ्योरी है वो भी रेडिन की थ्री थ्री डी थ्योरी की तरह ही है आ, से और जो ब्लैंकड़ हैं वो ओयो यूनिवर्सिटी में काम करने वाले जो ऑथर हैं उन्होंने इस थ्यूरी को दिया है उन्होंने बोला है कि कि एक वैरायटी ऑफ स्टाइल इफेक्टिव और इफेक्टिव हो सकते हैं पर ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब एक स्टाइल सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है तो उसको इफेक्टिव माना जाता है और जब एक स्टाइल जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनप्रोप्रिएट है तो उसको इनफेक्टिव माना जाता है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो एक स्टाइल एक सिचुएशन के अंदर इफेक्टिव है वो दूसरी सिचुएशन के अंदर भी इफेक्टिव ही होगा जो स्टाइल एक सिचुएशन के अंदर इफेक्टिव है वो दूसरी सिचुएशन में इन इफेक्टिव भी हो सकता है तो कहते कि ये स्टाइल नहीं है जो एक लीडर को इफेक्टिव या इनफेक्टिव बनाता है जबकि ये न, सिचुएशन है जो एक लीडर को इफेक्टिव या इनइेक्टिव बनाती है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही स्टाइल को सिलेक्ट किया जाना चाहिए इस तरह की बात की है इस थ्योरी के ऑथर्स ने हर्से की जो थ्योरी थी उसको लाइफ साइकिल थ्योरी और ऑफ लीडरशिप के नाम से भी जाना जाता है इसका दूसरा नाम भी है लाइफ साइकिल ऑफ लीडरशिप और ये जो थ्योरी है ये भी जैसे रेडिस रेडिसन ने जो डायमेंशन बताए हैं लीडरशिप के जो कंपोनेंट बताए हैं इफेक्टिव लीडरशिप के उन्हीं के अंदर बिलीव करती है इस थियोरी के जो ऑथर हैं उन्होंने एक चीज और यहाँ पे डिस्कस की है इफेक्टिव लीडरशिप के लिए कि जो ग्रुप की भी जो मेचोरिटी है जो ग्रुप मेंबर्स की जो मेच्योरिटी है वो भी एक आ, मेजर रोल प्ले करती है न, इफेक्टिवनेस में काम के काम के पूरा होने में काम के भी पूरा होने में और लीडरशिप के इफेक्टिव होने में जो ग्रुप की जो मेच्योरिटी है जो ग्रुप उसके अंडर काम कर रहा है वो टास्क को लेके कितना मेच्योर हैं मतलब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं उनकी मेच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना और एक लीडर के इफेक्टिव होना तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर उन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पे मेच्योरिटी ऑफ द ग्रुप अब उन्होंने बोला है कि सिचुएशन मेचोरिटी ऑफ द ग्रुप इज सीन इन टर्म्स ऑफ द द स्पेसिफिक टास्क टू बी पॉइंट फॉर कंसीडरेशन इन दिस रिगार्ड इज टू असेस वेदर ग्रुप इज मेचोर टू डू वट इज रिक्वायर टू बी डन मेच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द अथर इज कम्पोज ऑफ टू इंटर रिलेटेड फैक्टर्स अब अथर ने बोला है कि ये भी पहले डायग्नोज करना पड़ेगा कि ग्रुप में चोर है या नहीं है एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है उस, ए, उस काम को करने के लिए अगर तो वो एक्सपीरियंस्ड है ए, तो दूसरा स्टाइल अपना सकता है ए, लीडर जैसे ए, लो टास्क ए, हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल अपना सकता है अब वो ग्रुप के मेंबर के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है काम को लेके कि वो खुद ब खुद ही काम को करेंगे अगर तो ग्रुप मेच्योर है, है तो दूसरा स्टाइल अपनाएगा लीडर जो है इफेक्टिव लीडरशिप के लिए अब वो ग्रुप मेंबर के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करेगा उसको उनको गाइड करने की जरूरत पड़ेगी तो दूसरे स्टाइल की बात की है अगर ग्रुप मेंबर मेच्योर नहीं है तो तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि ग्रुप में चोर हैं या नहीं टास्क को लेकर तो उसी के अकॉर्डिंग वो स्टाइल लेके चलेगा लीडर जो है अब यहाँ पे अथर ने बोला है कि जो ये किस से पता चलेगा कि ग्रुप किस चीज से पता चलेगा कौन से फैक्टर हैं जो इस जो डायग्नोज करेंगे कि जो ग्रुप मेंबर हैं वो टास्क को लेके में चोर हैं या नहीं है दो फैक्टर्स की उन्होंने बात की है विलिंगनेस सेट हाई बट रियलिस्टिक गोल कि जो ग्रुप मेंबर हैं वो कितने स्किल्ड हैं गोल को सेट करने में विलिंगनेस कितनी है उनको काम को करने में कितने विलिंग हैं वो उस किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए और ये जो गोल हैं वो भी रियलिस्टिक हो हवा में बात करने वाले ना हों आ, तो वो रियलिस्टिक गोल सेट करने के लिए कितने विलिंग और कितने स्किल्ड हैं इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी ग्रुप की मेचोरिटी दूसरा जो है द स्किल एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीवमेंट ऑफ देयर गोल्स और जो उन्होंने गोल जो सेट किए हैं या जो लीडर ने जो गोल सेट किए हैं उनको आ, वो कितने विलिंगली उनको अचीव करने अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या वो कितने स्किल्ड हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में उस काम को करने में ये दो फैक्टर हैं जो ग्रुप की मेच्योरिटी को बताएंगे तो इन दो फैक्टर के बेस पे यह बताया जा सकता है कि ग्रुप उस काम को करने के लिए उस टास्क को करने के लिए मेच्योर है या नहीं है अब इसलिए अब ऑथर्स ने थ्री डायमेंशन की बात की है यहाँ पे उन्होंने रेडिन के जो दो डायमेंशन है उनको तो लिया ही लिया है साथ में अब उन्होंने एक नया डायमेंशन जोड़ा है इसमें फर्स्ट जो तीन डायमेंशन कौन से हैं तो टास्क ओरिएंटेशन है दूसरा जो रिले, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन जो हमने पहले भी बात की है तीसरा जो उन्होंने डायमेंशन लिया है वो है मेच्योरिटी ऑफ द ग्रुप ग्रुप की मेच्योरिटी जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल अब जो ये

इन एक्सपीरियंस्ड हो सकता है होता भी है उस उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को लेके पर जैसे जैसे टाइम बीतता भी, है वो एक्सपीरियंस्ड होता जाता है उसकी मेच्योरिटी बढ़ती जाती है उन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ उस टास्क की तरफ दूसरा जो है स्टोरी में फोकस किया गया है कि दैट एज द मेच्योरिटी लेवल इंक्रीज द इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल विल बी करेक्टराइज बाई द रिडक्शन इन टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर एंड बाय इंक्रीज इन रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर कहते हैं कि जैसे जैसे ग्रुप की मेच्योरिटी बढ़ती है उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है टास्क को लेके तो जो लीडर है वो अपना जो स्टाइल है वो चेंज कर कर सकता है जैसे पहले जब ग्रुप मेच्योर इनफ नहीं था इनफ मेच्योर नहीं था तो वो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल लेके चला था यानी कि वो टास्क को करने में उनको गाइड करता था जो ग्रुप मेंबर हैं पर जब ग्रुप जो मेंबर हैं वो एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं उनका मिच्योरिटी लेवल बढ़ गया है तो वो अब उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है और उसको चेंज अपने स्टाइल को टास्क ओरिएंटेड से वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड पे आ सकता है स्टाइल पे तो इस तरह की बात की थी इस थियरी के अंदर आ, हर और ब्लैंकड ने ये हर और ब्लैंकड ने अपनी थियोरी के अंदर एक तीसरा डायमेंशन ऐड किया दो जो डायमेंशन थे उसके साथ साथ टास्क ओरिएंटेड और, और रिलेशनशिप ओरिएंटेड के साथ उन्होंने मेचोरिटी ऑफ द ग्रुप ये एक थर्ड डायमेंशन ऐड किया इफेक्टिव लीडरशिप के स्टाइल के लिए तो आज की वीडियो के लिए इतना अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करना ना भूलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो